नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार और आप देख रहे हैं एक टेक्निकल शो। सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने मोबाइल से कंप्यूटर को कंट्रोल। चाहे हम कितने भी दूर हो और हमारा जो कंप्यूटर है घर पर है, उसके बावजूद भी हम उसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये टीम व्यूज़ की जो एप्लीकेशन है ये आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही होगी, ये देखिए दोस्तों, इसका आइकन जो है कुछ इस प्रकार से है। और इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में भी डाटा ऑन रखना होगा और अपने मोबाइल में भी डाटा ऑन रखना है। और यहाँ पर आपको यूअर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मिल जाता है। और यही एप्लीकेशन आपको मोबाइल में प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे कि मैं अभी मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आप समझ ही गए होंगे, इसे स्टार्ट करने के बाद जो कंप्यूटर में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। ध्यान रहे कि आपका डाटा जो है कंप्यूटर में और मोबाइल में दोनों में ऑन होना चाहिए। और उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ये वाला पासवर्ड, ये वाला आपको ये पासवर्ड अपने मोबाइल की जो स्क्रीन आपको अब दिखाई दे रही है इस प्रकार से यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद करना है इसे ओके। ओके करते ही यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वो आपको अपने मोबाइल में जो है शो हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को जो है कहीं पर भी बैठकर चला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो एप्लीकेशन मोबाइल में जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपको कनेक्शन करना है और यहाँ पर जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल में, वही कर्सर जब मैं फ़ोन में प्रेस कर रहा हूँ तो वही कर्सर जो है यहाँ पर कंप्यूटर में भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं माई कंप्यूटर। ये देखिए दोस्तों, माई कंप्यूटर जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि इसी के साथ मोबाइल के साथ ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में इस प्रकार से इसे चला सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको डाटा रखना है ऑन, उसके बावजूद आप अगर डाटा नहीं यूज़ करते हो इसके साथ तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये नहीं वर्क कर पाएगी। तो आपको डाटा जो है ऑन रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ किस प्रकार से इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जब मैं ऑन कर रहा हूँ मोबाइल में तो यहाँ पर कंप्यूटर अपने आप वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से आप भी खुद ब खुद ट्राई करके यहाँ से चला सकते हैं इसे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कहीं पर भी बैठ कर अपने कंप्यूटर को जो है चला सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो डाटा आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद दोस्तों।